हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खनेरा आपके सामने एक बहुत ही खास ट्रिक जो एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं क्योंकि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को कैसे निकालें। तो इसका टेंशन का हल आ चुका है और शानदार और माइंड ब्लोइंग ट्रिक के साथ में मैं आपके सामने हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर कि रूट 19 पूछ लिया जाता है, सर हमें रूट 10 का मान नहीं पता, सर हमें रूट 27 का मान नहीं पता। हाँ, हमें रूट 16 का मान तो पता रहता है कि 4 है, हमें ये तो पता रहता है कि रूट 25 5 है, लेकिन हमें ये नहीं पता क्योंकि ये नॉन परफेक्ट है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते इन नंबर्स का। तो हम इनको कैसे आसानी से सॉल्व करें आज वही बताऊंगा। फिर से छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कम समय में ज्यादा चीजें आप लोगे। सब लोग जुड़िए और ध्यान से, अच्छा लगे दिल से लाइक करना। होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखेंगे। चलता हूं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ट्रिक्स की तरफ कि कैसे इन क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने सबसे पहला ये जो इसका सूत्र है, इसका फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के कोई भी चीज संभव नहीं होती। इसको मैं ओरली भी आपको समझा सकता था, मेरा कोई गलती नहीं होती इसमें। अगर मैं आपको इसको ओरली भी समझाता ना तो आप एक दिन तो समझ जाते लेकिन हमेशा याद नहीं रख पाते। फॉर्मूला एक ऐसी चीज होती है जो हमें उस चीज की विधि बताती है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें करो, कभी भी गलत नहीं होगा और कभी भी भूलोगे नहीं। इसलिए इस चीज में फॉर्मूला का आपका बहुत महत्व है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में कि क्या आपको ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से फॉर्मूला पुट करना है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि रूट 7 आपके लगातार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे निकालें। तो देखो दोस्तों, ध्यान देना इस चीज पे कि कैसे हम निकालेंगे। रूट 7 आपसे बोला गया है तो रूट 7 आपको ऐसे तोड़ना है एक्स और वाई की टर्म में। एक्स और वाई की टर्म में आपको रूट सेवन तोड़ना है, 7 को आपको ब्रेक करना है। तो मैं दिमाग में क्या सोचूंगा, बस एक फंडा आपको दिमाग में रखना है कि एक्स एक ऐसी संख्या हो जिसका रूट आसानी से निकल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इस चीज को कि एक्स एक ऐसी संख्या हो जिसका रूट आसानी से निकल जाए। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 7 अगर मैं लिखता हूं तो मैं इसको 9-2 लिख सकता हूं और 9 मेरा एक्स हो जाएगा और माइनस का माइनस रहेगा, ये वाई हो जाएगा। तो इसके अंदर ये चीज बन गई और अब आपको इसको करना है फॉर्मूले की टर्म में। मैं इसलिए इस चीज को लिखता हूं, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे जो एक्स होगा वो हमेशा ही आपको परफेक्ट लेना है, मतलब नियरेस्ट। तो नियरेस्ट 9 था ना, इसका सबसे नियरेस्ट क्या था, 9 था ना, तो मैंने 9 ले लिया। और 9 लेने के बाद अब जानते हो रूट एक्स, ये एक्स है, रूट एक्स निकालोगे तो 9 का रूट कितना निकल के आ जाएगा, 3। अब देखो यहां पे अगर माइनस लिया है ना तो यहां पे भी माइनस लोगे। बात समझ में आ रही है? यहां पे माइनस लिया है तो यहां पे भी माइनस लोगे। अगर यहां पे प्लस लेके बनता तो यहां पे भी प्लस लेते, लेकिन माइनस लेके बना है तो यहां पे 3 माइनस वाई कितना है, वाई तो एज इट इज होता है ना अपना, वाई तो अपना 2 ही है, तो यहां डायरेक्ट 2 रख दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए और रूट एक्स कितना है आपका, 9 का रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा। यहां पे आपके सामने 3-1/3 बन गया और यहां पे आप देख सकते हो ये आ जाएगा आपका 8/3, है ना, आपका ये आ जाएगा 8/3 और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 2.67 के करीब आंसर आ जाएगा लगभग। तो आप कैलकुलेटर से करके देख लो आप इस चीज को कितनी आसानी से कर सकते हो। ये अभी टाइम लग रहा है ना, आपको लग रहा होगा सब टाइम लग रहा है, ये सेकंड में करोगे, एक एक सेकंड में। लेकिन पहले चीज समझ लो, एक एक आंख में भर लो इस फॉर्मूले को कि हमें एक्स को ऐसे तोड़ना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में बन जाए। भाई सीधी सी बात है, 9 था तो 9 मैंने 3 लिख दिया, डायरेक्ट लिख सकते हो ना, यही तो फायदा है कि सीधा सीधा लिख सकते हो आप, वाई तो जो है वो लिख दो, अपॉन 2 इंटू रूट एक्स, ये करना है, आंसर आ गया, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। अब अगला दे रहा हूं, ट्राई करना, खुद कोशिश करना, चलिएगा मैं बताऊंगा अभी 2-3 एग्जांपल, फिर आपको होमवर्क में भी दूंगा। तो चलिए रूट 10 निकालिए। अब मेरे प्यारे भाई रूट 10 कैसे निकालोगे, वहां तो हमने माइनस यूज किया था, यहां पे आप प्लस यूज करिए, क्या दिक्कत है, 9+1 लिख सकते हो ना, हाँ लिख सकते हो, और ये क्या बन गया, रूट एक्स प्लस वाई बन गया। और आप जानते हो रूट एक्स प्लस वाई क्या होता है, रूट एक्स मतलब 9 है तो 9 का 3 प्लस आएगा क्योंकि यहां पे प्लस लिया है, तो यहां पे प्लस, वाई का वाई रख दो, वाई कितना है यहां पे 1 है, अपॉन 2 रूट एक्स मतलब
अपॉन तीन, क्योंकि टू रूट एक्स, रूट एक्स आप याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो यहां आए उसको नीचे डिवाइड करना है दो के साथ में, सब चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हर चीज को टाइम दो और इतनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब आप चुटकियों में आंसर निकाल दो मेरे प्यारे भाइयों, 3.16 कैलकुलेट कर लो, लगभग इतना ही आंसर आपके सामने देखने को मिलेगा। 3.16 देख लीजिए, कैलकुलेट करिए फटाफट से, आप इसको सॉल्व करवा रहे हो यही बहुत बड़ी बात है। आपको कहीं नहीं ऐसी चीजें मिलेंगी, मैंने आपको लाख बार इन चीजों को बताया है और इंप्रूव भी होगा इन चीजों में। अगला क्वेश्चन करिए, 11 करिए और निकालिए फटाफट से, 11 जल्दी से मुझे बताइए कि 11 का आंसर क्या हो सकता है आपका। तो आप कैसे करोगे, ये छोटे छोटे नंबर ही नहीं बड़े बड़े भी निकालोगे, वो आप होमवर्क में बताओगे, टेंशन नहीं लेने का, सीधे मैं कमेंट देखूंगा फिर रिप्लाई भी करूंगा। तो कैसे तोड़ना है इसको, 9+2 में ब्रेक कर सकते हो ना, हाँ कर सकते हैं सर, तो पास में ब्रेक करिए, 9+2 में ब्रेक कर दिया और यहां पर आप देख लीजिए 3, यहां पे 3 आएगा रूट, प्लस है तो प्लस आया, ऊपर 2 है तो 2 आया, नीचे क्या हो जाएगा, मैंने कहा था ना कि इस वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो यहां पे सिंपल सा फंडा आपके सामने ये आ चुका है और इसका आंसर आ जाएगा 3.33 के करीब, चेक कर लीजिए लगभग, है ना। तो चीजें मैं जो कह रहा हूं वो समझ में आ रही है ना, क्या करना है, सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन करते हैं एक दो, फिर आपको होमवर्क में दूंगा, आप ट्राई करना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। रूट 13 का निकाल के बताओ जरा, रूट 13 का निकाल के बताओ। अब रूट 13 आप कहोगे कि सर मैं ऐसे लिखूंगा सर रूट 13, तो 9 और 4 13, और एक बच्चा कहेगा कि सर मैं तो ऐसे लिखूंगा 16 माइनस 3। मैं कह रहा हूं कि दोनों ही सही हैं, कैलकुलेट करके देख लो, दोनों ही सही हैं, बहुत पास पास आएंगे, हमें क्या लेना देना, हमें तो कैलकुलेट करने से मतलब है। और आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए कि रूट 9, क्योंकि यहां पे परफेक्ट चाहिए, तो यहां पे 16 भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, इसलिए मैं यहां परफेक्ट लेता हूं कि यहां पे एक्स रूट एक्स आएगा वो 3 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पे प्लस है तो यहां प्लस आएगा, यहां पे माइनस हो तो यहां पे माइनस आएगा, यहां पे वाई 4 है तो 4 आएगा, और नीचे क्या कहा था मैंने, इस वाले का दुगना करके कर दो, इस वाले का दुगना रख दो। अब ट्रिक समझ में आ रही है कैसे आप याद कर पा रहे हो, यहां पे 3 है तो 3 है तो क्या हुआ, इस वाले का दुगना करके रख दो और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पे आपके सामने 3+2/3 मतलब 3.666, क्लियर है, चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, और यहां पे जब सॉल्व करोगे तो 3.625, तो मतलब लगभग लगभग 3.6 दोनों में बराबर आ रहा है और यही आपका आंसर है। आप बिल्कुल भी इस चीज की फिक्र मत लीजिए कि आपसे एग्जैक्ट पूछेगा, ये लगभग में ही आपसे पूछेगा हमेशा, आप निकाल रहे हो ना कैलकुलेटर से तेज निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर उसके बाद होमवर्क में दूंगा और मजे से प्रैक्टिस करना आज, और अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक जरूर करना। 47 तो कैसे करोगे मेरे प्यारे भाइयों, कुछ भी कर सकते हो यार, 49-2 कर दो, सिंपल सा फंडा है, ये 7 बाहर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 है तो 2 लिख दीजिए, और नीचे क्या लिखोगे, इसका दुगना, तो यहां पे 1/7 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 7 × 7 = 49, 48/7, और कैलकुलेट कर लीजिए इसको बहुत आसानी से, और वही आंसर आएगा जो आपका कैलकुलेटर से आएगा, चेक करो अभी, क्लियर है ना, चलिएगा। तो ये सारे थे आपके, अब आपका आज कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए ये है, मुझे सब लोग लिखेंगे जो भी लोग देख रहे हैं, 265 है ना, 378 और 228, तो ये आपके क्वेश्चन हैं, और भी एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, 445, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अब दिमाग में सोचो पहले, अब मैं आपको हिंट भी दे देता हूं जिससे कि आप कर पाओ, है ना, सारे क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे तोड़ना है, एक परफेक्टो बचा कुचा बाद में। तो ये 265 है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं दोस्तों, 256 16 के पास है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √256 प्लस, अब बचा कुछ आप जब इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा, मतलब जोड़ोगे तो आ जाएगा 265, सिंपल सा फंडा है, अगर इसमें 9 जोड़ोगे तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर हो गया। इसको कैसे करोगे, आप कर सकते हो ना, मैं कह सकता हूं कि इसको 361 लिख दो क्योंकि 19 का होता है, प्लस जो ऊपर है वो लिख दो, तो ये चीजें आपको करनी है, ये भी आप कर सकते हो, 225+3 ये आप कर सकते हो, 441+4, तो करके देखना मजा आएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर आएगा, मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो गाइज छोटा पैकेट बड़ा धमाका में ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी ही वीडियो मैं डेली और ऐसे लेके आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि मेरे साथ जुड़े रहो, और ऐसी वीडियो स्क्वायर रूट की भी मैंने आपको दी है कि चुटकियों में आप 1 से लेके 1000 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हो, किसी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट कर सकते हो। तो सबको देखो और एंजॉय करो स्टडी को, मैथ को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है। तो गाइस फिर से मैं कहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेक्टिव वीडियो के साथ में, अगर अच्छा लगा है दिल से लाइक जरूर करना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, होप यू लाइक इट, चलिएगा।